मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 19 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? और उत्तर में बाबा समझाते कि उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए, भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉडफादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो, अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। मुरली का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर ना सके, नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं, समझते कुछ नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो कि यह धर्म शास्त्र नहीं है, शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए, धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी द्वारा, तो पूछना चाहिए कि वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं, वह धर्म किसने स्थापन किया, इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता। कौन कौन से धर्म है वह भी समझाया जाता है, जैसे झाड़ में मुख्य है थूर माना तना, और फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी डाल टालियां निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है कि यह जो धर्म शास्त्र है, सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता वह है थुर, उनके बाद फिर ठहरे सबा की रचना। यह इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, यह सब कल्प वृक्ष के टाल हैं। गीता में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है, वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका तना सड़ जाता है, बाकी टाल टालियां रहती हैं। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं कि इनका थुर जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे, नई बात है ना। तो कितना बड़ा झाड़ है, थुर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सत्यों को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं, कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं, सुखी कौन हो सकता है। सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी नहीं कि यहाँ काग विष्टा समान सुख है और अथा दुख है, ये उनको पता ही नहीं है। अब बाप बतलाते हैं कि तुमको अथा सुख में फिर ले जाता हूँ, इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूं तो पाठ सभी बजाते हैं, इस्लामी, बौद्धि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्यों को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है, वह कौन सा। कहते भी हैं कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, और फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो, हम भी पहले छीछी मूत पलीती मनुष्य थे, अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते हैं
और कहते हैं कि अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोत्रे कहलाएं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली और दूसरे हैं कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। और ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता ही नहीं। तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पति तो दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुख धाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ? वह दिखाते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता ही नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम यह जानते हो, भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों मुआफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो कि अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हमसो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हमसो सोहम यहाँ ही गाते हैं, और धर्मों में ये अक्षर ही नहीं। ओम माना भगवान समझ लेते हैं, वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। वह फिर उल्टा कह देते कि आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या, हम शरीर तो है नहीं। परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह ना सके कि अहम आत्मा मम शरीर। वह बाप कहते हैं अहम आत्मा तो बरोबर है कि हमने ये शरीर लोन पर लिया है, ये हमारी जुत्ती नहीं है, हमारे पैर है ही नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो ही नहीं सकती। कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो है नहीं। मैं हूँ ही निराकार। यूं तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर ही नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ कि अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है? पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता ना होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता, यह समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, तो जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामा अनुसार हमारा ये रथ मुकर्रर है। ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूंगा। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम मात पिता, हम बालक तेरे जिसकी इतनी महिमा है, गाते हैं ना हम, तो अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। विचार किया जाए कि बरोबर हमको किसने रचा? कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो जरूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो तो फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही ना हो तो फादर कैसे रचेंगे, फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता है तब ही फादर कहते हैं ना। तो ये किसी को पता ही नहीं कि गॉड फादर की फीमेल कौन है। यह है सबसे गुह्य बातें। आदम बीबी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते। बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन? ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से यह मेरी सजनी हुई। कौन? ब्रह्मा। बाबा कहते ये ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को।
ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उनको संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती ये कौन है? विवेक कहता है कि ब्रह्मा की बेटी है। तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा तो ये फिर बड़ी माँ, फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। तो पहले नंबर में सरस्वती चाहती है जगत अम्बा की कितनी महिमा है। अब तुम समझ गए हो कि हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र बन वर्षा लेंगे, तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है। मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए लाती हैं, ले आती हैं, और बाबा देखते हैं कि कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी, अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया, फिर मालूम पड़ा। अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना कि हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं, और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटे बेटी हैं, ना कि मेल फीमेल। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुख वंशावली की तो बात ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं। कलम लगती रहती है, बगीचा है ना। अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं, चुभते हैं। यह कांटों की दुनिया है। बाप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि यह विकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो। सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज तो कोई होती ही नहीं, लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह न सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो माता पिता के पास, जिनसे वर्षा मिलना है। बाप भी बुढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़ियाएं इतना ज्ञान उठा नहीं सकती, यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे ये तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना। यह बूढ़ा सबसे तीखा है, वह तो फिर भी बेटी हो गई, बुढ़ियों के लिए भी बहुत सहज है। बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा कुर्बान जाऊं, आप तो सुखधाम में ले जाते हो। बस ऐसे खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है। सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। और सेकंड पॉइंट है आप समान बनाने की सेवा करनी है, कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है, नए झाड़ की कलम लगानी है। बाबा ने आज वरदान दिया कि कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भव। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भव। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं, उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मा जीत बनो। स्लोगन है जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।